जिन्होंने हमें जन्म दिया, हमें पाल पोस कर बड़ा किया, इस काबिल बनाया कि आज हम इस संसार में सांसारिक सुखों का भोग कर रहे हैं, उन सभी परिवार के लोगों जो गुजर गए हैं उन्हें श्रद्धा पूर्वक स्मरण करने, उन्हें तर्पण श्राद्ध के द्वारा प्रसन्न करने के ही दिन हैं श्राद्ध पक्ष। श्राद्ध कार्य करते समय क्रोध नहीं करना चाहिए तथा बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें तथा शुद्धता का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। श्राद्ध कार्य सदैव सद्भावना और सत उद्देश्य से ही करना चाहिए। दिखावे के लिए जल्दबाजी में करने से यह सामान्य कर्म बन जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार विधि विधान पूर्वक श्राद्ध करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है एवं श्राद्ध क्रिया के द्वारा प्रसन्न हुए पितृगण हम लोगों को पुत्र, धन, आयु, आरोग्य, लौकिक सुख आदि प्रदान करते हैं। पितरों के नाम, गोत्र और मंत्र श्राद्ध में दिए गए अन्न को हमारे पितरों तक पहुंचा देते हैं और इससे उन्हें तृप्ति प्राप्त होती है। श्राद्ध पक्ष की अमावस्या को सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या कहते हैं। इस दिन सभी ज्ञात अज्ञात पितरों का श्राद्ध कार्य किया जाता है, इससे उन्हें तृप्ति प्राप्त होती है। यह पितृ पक्ष का आखिरी दिन होता है। इस दिन कुल के सभी पितरों का श्राद्ध किया जा सकता है। सर्व पितृ अमावस्या को प्रातः भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ करें तथा उस पाठ का फल अपने पितरों को अर्पित कर दें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें एवं भगवान विष्णु से प्रार्थना करें कि मेरे जो भी पितृ अतृप्त हों उन्हें आप तृप्ति प्रदान करें। इस दिन आचरण को शुद्ध और सात्विक रखते हुए गाय को गुड़ के साथ रोटी खिलाएं एवं कुत्ते और कौवे को भी आहार दें। ब्राह्मण को सादर आमंत्रित कर प्रसन्न चित्त हो भोजन कराएं। या भोज्य सामग्री जिसमें आटा, फल, गुड़, सब्जी और दक्षिणा हो उन्हें दान करें। जिस प्रकार चारागाह में सैकड़ों गायों में से बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार साध कर्म में दिए गए पदार्थ को मंत्र और सच्ची श्रद्धा हमारे पितरों तक पहुँचा देते हैं और हमारे पितृ प्रसन्न हो हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। सुबह सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर एक लोटे में जल लेकर मुख्य द्वार के दोनों ओर जल डालें, कुछ फूल भी रखें और ऐसा विचार लाएं कि जब हमारे पूर्वज द्वार पर आएं तो देखें कि हम उन्हें भूले नहीं हैं और वे प्रसन्न हो हमें आशीर्वाद दें। इस दिन स्त्रियां संध्या के समय दीपक जलाने की बेला में दीपक जलाकर दक्षिण दिशा में रखती हैं, जिससे पितरों का मार्ग आलोकित रहे और जाते समय वह प्रसन्न हों। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय माता दी।